हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल अन्नपूर्णा किचन। आज हम नींबू का अचार बनाएंगे। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg नींबू लिया है। अब हम नींबू को काट लेंगे। अब मैंने सारे ये नींबू अच्छी तरह से काट लिए हैं और ये बाउल में मैंने रखा है। अब इसे हम स्टीम कर लेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हम एक कुकर लेंगे, कुकर के बेस में पानी रखेंगे, उसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर हम ढक देंगे। इस तरह से हम कोई ढक्कन ऐसे ढक के कुकर में रख देंगे और 5-6 विसल तक इसको कुक कर लेंगे। देखिए, मैंने ये नींबू प्रेशर कुक कर लिए है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टील का बर्तन लिया है। इसके अंदर हमने जो नींबू अभी प्रेशर कुक किए वो सारे डाल देंगे। इस अचार में बिल्कुल भी ऑयल लगता नहीं है, बिना तेल के ये अचार बनता है। अब इसके अंदर मैंने 1 कटोरी यहाँ पे गुड़ लिया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इलायची ये दरदरी कूट ली है। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच में हल्दी पाउडर डालूंगी इसके अंदर और यहाँ 2 से 3 चम्मच में लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1 छोटी कटोरी शक्कर ली है और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर अभी फ्रेश कूट कर लिया है और मैंने 1/2 चम्मच काला नमक लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे। अब ये अचार रेडी है। जैसा ठंडा होगा वो गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। देखिए, अभी अचार अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है नींबू का। अब इसके अंदर हम 3 से 4 नींबू का जूस डाल देंगे। ये ठंडा हो जाने पर ही आपको ये जूस ऐड करना है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये अचार खाने के लिए रेडी है। देखिए, हमारा ये नींबू का अचार बनके तैयार है। टेस्ट में बेहतरीन हुआ है और इसमें हमने पानी का कोई इस्तेमाल किया नहीं है, तो ये अच्छी तरह से आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ संभालना है एक ही बात कि आप जब भी अचार निकालने के लिए जो चम्मच इस्तेमाल करते हो वो साफ और ड्राई होनी चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।